नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस मीटिंग में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। आईपीएल 2020 के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाना है, जहां दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल, 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल उप कप्तान और विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चाहर और वरुण चक्रवर्ती। टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, शुभमन गिल, केएल राहुल उप कप्तान और विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, प्रधमान साह विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और मोहम्मद सिराज। आपको बता दें, भारत को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहले दो वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 27 और 29 नवंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद अंतिम वनडे कैनबरा के मनुका ओवल में 1 दिसंबर को होगा। पहला टी20 कैनबरा में 4 दिसंबर से खेला जाएगा, जिसके बाद अंतिम दो टी20 मैच सिडनी में 6 और 8 दिसंबर को खेले जाएंगे। गुलाबी गेंद का टेस्ट 17 से 21 दिसंबर तक एडिलेड में दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। अगर कोविड-19 के हालातों के कारण मेलबर्न अधिकारियों को MCG में मैच की मेजबानी की अनुमति मिल जाती है, तो 26 दिसंबर से होने वाला बॉक्सिंग डे टेस्ट एडिलेड में खेला जा सकता है। सिडनी में नए साल में टेस्ट मैच को 7 से 11 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद टीमें 15 जनवरी से होने वाले चौथे और अंतिम टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंचेंगी। आपको बता दें, इस टीम में रोहित शर्मा को जगह नहीं दी गई है। रोहित शर्मा को ना तो टेस्ट में और ना ही वनडे और टी20 में जगह दी गई है। हालांकि इनके बारे में यही कहा गया है कि उनकी इंजरी को लेकर अभी बातचीत चल रही है। अगर उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी समय से ठीक हो जाएगी तो उन्हें टीम में जगह मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।